आगामी दिनों त्योहारों के मद्देनजर कृषि उपज मंडी में 3 दिन का अवकाश रहेगा, इसलिए बड़ी संख्या में किसान गुरुवार को अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। इस दौरान मंडी से CRPF गेट और चौकन्ना बालाजी तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। 3 दिन मंडी के अवकाश की सूचना मिलते ही किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे। मंडी में करीब 70,000 बोरी से अधिक की आवक हुई, जिसके कारण मंडी से CRPF गेट और चौकन्ना बालाजी तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था बुरी तरह बिगड़ रही। मंडी सचिव सतीश पटेल ने जानकारी देते हुए बताया है कि त्योहार के कारण कृषि उपज मंडी में अष्टमी, नवमी और दशहरे पर 3 दिन का अवकाश रहेगा। अवकाश के कारण मंडी पूर्णतः बंद रहेगी, इसलिए बड़ी संख्या में शहर सहित जिले भर से किसान अपनी उपज लेकर मंडी आए हैं। यह भी बताया गया कि मंडी में आगामी 3 दिन के अवकाश के कारण बुधवार को करीब 70,000 बोरी जिन्सों की आवक हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा आवक सोयाबीन, प्याज और लहसुन की रही है, क्योंकि इन दिनों इन जिन्सों के भाव तेजी लिए हुए हैं। देखिए, इस समय सबसे ज्यादा उपज की आवक प्याज की है, जो करीब 12,000 बोरी अभी तक आ चुकी है, शाम तक और बढ़ जाएगी। और गेहूं की आवक है करीब 10,000 बोरी की, और उसके अलावा दूसरी जिन्सें हैं। प्याज के भाव में अचानक तेजी आई है, इसलिए किसान भाई सारी जिन्सों को छोड़ के प्याज अपने खेत से निकाल के सीधे माल बेचने के लिए ला रहा है। प्याज की कीमतें 2,000 रुपये से लेके और 6,500 रुपये तक गई हैं। लहसुन भी इस समय 7,000 बोरी है, लहसुन के भाव भी अच्छे जा रहे हैं, 12,000 रुपये तक जा रहे हैं। हाँ, क्या है कि कल, परसों और इतवार को 3 दिन दशहरे, अष्टमी, नवमी और दशहरे के उपलक्ष्य में मंडी बंद है, इसलिए किसान भाई आज काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि पूरा माल उनका बिक जाए। आज लहसुन लेके आए हैं मंडी में, और 2-3 दिन का अवकाश रहेगा, इसलिए आज क्या हो त्योहार के चक्कर में अवकाश रहेगा, इसलिए ये लहसुन लेके आए हैं। और ये क्या है कि अभी मंडी में भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, लाइनों में खड़े रहे 2-3 घंटे तक, फिर नंबर आया हमारा, इसलिए फिर अब नीलामी आएगी तो फिर नीलाम में बेचेंगे। और ये लहसुन लेके आए हैं, और गांव है नीमत सिटी।